वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने सातवें दिन की अफ्तारी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल ड्रिंक की। तो इसके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ जेली। मैंने ले लिया है 1.5 कप वाटर और उसमें डाल दिया है जेली पाउडर। और बस 1-2 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसे जोश कर लेंगे और हमारी जेली रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे चॉकलेट मोल्ड के अंदर जेली सेट कर दिया है। और अब एक बर्तन में मैंने ले लिया है पानी, ये तकरीबन 2-3 ग्लास होगा। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है साबूदाना 1 कप, लेकिन वो बर्तन छोटा पड़ गया था, फिर मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया बड़े से बर्तन में। और इस तरह से साबुदाने के दाने जो है ट्रांसपेरेंट होंगे तब तक हमें पकाना है। और फिर उसके बाद छान कर इसे ठंडे पानी से निकालना है। अब यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ दूध, ये 1 लीटर दूध है। तो इसे हमें जोश आने तक बस पका लेना है। और इसमें मैंने ऐड किया है 5 टीस्पून शुगर। हमें बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है, बस बॉईल आने तक ही पकाना है। जैसे ही बॉईल आएगा हमें फ्लेम ऑफ कर देना है और दूध को ठंडा कर लेना है। और जब रूम टेम्परेचर पे आए तो इसे फ्रिज में रख दें ताकि वो चिल्ड हो जाए। अब सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं तो हम ड्रिंक रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है सब्ज़ा और इसमें मैं डालूँगी साबुदाने जो हमने बॉईल करके रखा था और जेली जो हमने सेट की हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है वो ठंडी हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना रूम टेम्परेचर पे भी ठीक रहेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप रोज़ सिरप और जो हमने दूध गर्म करके रखा था चिल होने के बाद वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और हमारा बहुत ही यम्मी सा और रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है। वीवर्स, मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप जो हम फालूदा पीते हैं उससे बेटर ये ड्रिंक है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जब भी ट्राई कीजिएगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही, उसमें मैंने ऐड किया है 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस और 1 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला और 1 टी स्पून सॉल्ट। और ये सारी चीज़ों का हम अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे और इसमें चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे और अफ्तारी के वक्त हम इसे फ्राई करेंगे। और आज मैं अफ्तारी में एक और रेसिपी बना रही हूँ, वो है बॉक्स पेटीज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर में ले लिया है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल कम ही लेना है हमें क्योंकि हम ये फिलिंग रेडी कर रहे हैं। उसमें मैंने फ्राई किया है 1 मीडियम साइज़ का अनियन। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 3 ग्रीन चिली हमने यहाँ पर चॉप करके डाल दी है। और जब ये मसाला भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे कीमा, ये 250 ग्राम्स कीमा है। तो इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 चाट मसाला, फ्रेश कोरिएंडर और 1/2 लेमन जूस,
हाफ लेमन का जूस हमें इसमें ऐड करना है और हमारी फिलिंग बनके रेडी है। तो अब बनाते हैं डो, इसका आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल और सॉल्ट और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा डो हम रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम हमें गूंदना है और इसे हम ऑयल लगा के रेस्ट पे रख देंगे। तो अभी आधा एक घंटा हो चुका है और हमारा डो जो है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी से इसके पेड़े बना लूँगी और हमें बहुत पतली सी एक रोटी बेल लेना है और इसे मैंने इस तरह से रैप किया था। ये आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे पैटीज बना के रेडी कर लेना है। आप चाहे तो आप अपनी पसंद से कैसे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स पैटीज है इसलिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में बनाया है। और इसके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो हमारे सारे पैटीज यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, स्लो आंच पे जितना आप फ्राई करोगे उतना ही ये क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे ये हरे भरे कबाब जो हमने फ्रोज़न लाए थे और ये मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, लेकिन ये व्यूवर्स बहुत ही गंदे और बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे नहीं थे। तो आप बिल्कुल भी ये लेने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं निकले, हमने किसी ने भी नहीं खाया वो। और यहाँ पे अब मैं मेरी चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था तो वो फ्राई कर रही हूँ। हमारे घर में कोई भी रात का खाना नहीं खाता है, जो अफ्तारी होती है वही हमारा जो खाना और अफ्तारी सेम ही होती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं हमेशा अफ्तारी जो है थोड़ा हैवी बनाती हूँ। और ये है मेरी अफ्तारी की टेबल। तो व्यूवर्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।